हाँ तो भाई आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है, पीएनबी एटीएम ग्रीन पिन नॉट रिसीव, प्रॉब्लम फिक्स गारंटी 200%। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम फिक्स करवाने वाला हूँ, यानी कि आपके पास पंजाब बैंक का एटीएम कार्ड तो है, चाहे तो आप अपनी ब्रांच से लेके आए हो या पोस्ट की मदद से आपके घर पे आपका एटीएम कार्ड आया हो, किसी भी तरीके से आपके पास पीएनबी का एटीएम कार्ड है लेकिन उसका एटीएम पिन नहीं बन रहा। एटीएम पिन तो तब बनेगा ना जब आपको ग्रीन पिन मिलेगा। अब ये ग्रीन पिन आपको मिलता नहीं है, आप लोग कहाँ से गलती कर रहे हो, क्यों आपको ग्रीन पिन नहीं मिल रहा, अब आप कैसे ग्रीन पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और कैसे आपको ग्रीन पिन मिलेगा और किस स्थिति में मिलेगा। भाई आज की वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो ना, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ कैसे आपको ग्रीन पिन मिलेगा और कैसे आप अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर पाइएगा। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे। देखो यार, पंजाब बैंक का जो ग्रीन पिन होता है ना, वो आपका दो तरीके का ग्रीन पिन होता है। एक ग्रीन पिन तो होता है कि आपके पास पंजाब बैंक का प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड है, जो येलो से कलर का आता है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास ये एटीएम कार्ड है और ये एटीएम कार्ड आपको पोस्ट की मदद से आपके घर पर आया है, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एटीएम कार्ड पोस्ट की मदद से आपके घर पर आया है, अब आप इस एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं, एटीएम पिन बनाना चाहते हैं, तो इसका आपको एक ग्रीन पिन चाहिएगा। ग्रीन पिन का मतलब पेपर पिन चाहिएगा, और पेपर पिन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपकी ब्रांच में, वहाँ पर आपको पेपर पिन मिल जाएगा। पेपर पिन जो होता है ब्रांच में छप के आता है, जब आपका एटीएम कार्ड ब्रांच से अप्लाई होता है, थोड़ा पीछे से समझाता हूँ, जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, ओपन हो जाने के बाद आपका एटीएम कार्ड जो होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला, वो अप्लाई हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद, महीने के बाद या दो महीने के बाद आपके घर पर आपका एटीएम कार्ड आ जाता है। लेकिन जब आपका एटीएम कार्ड ब्रांच की तरफ से अप्लाई होता है ना, जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, तो जहाँ पर आपकी ब्रांच होती है वहाँ पे एक ग्रीन पिन छप के आता है, वो ब्रांच में ही होता है। तो आपके पास जब एटीएम कार्ड आ जाता है ना, तो आपको वो एटीएम कार्ड ले जाके अपनी ब्रांच में आपको अपना पेपर पिन लेके आना होता है। अब कुछ केस में तो ये पेपर पिन कुछ लोगों को मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। अब किन लोगों को नहीं मिलता है, उन लोगों को ये पेपर पिन नहीं मिलता जिनका एटीएम कार्ड जो है ना बहुत लेट आया है, बहुत लेट का मतलब 3 मंथ से ऊपर हो गया। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एटीएम कार्ड है, जैसे कि प्लैटिनम एटीएम कार्ड हो गया या रुपया डेबिट कार्ड हो गया, कोई सा और एटीएम कार्ड है, तो उस केस में आपको चाहिए होता है 6 डिजिट का ओटीपी, जो कि 1 टाइम ओटीपी होता है, वो आपका ओटीपी 72 घंटे तक मान्यता होता है। उस ओटीपी की मदद से आप अपना एटीएम कार्ड पिन बनाते हो। यानी फॉर एग्जांपल आप इसको बारीकी से समझिए, आपके पास प्लैटिनम एटीएम कार्ड है पीएनबी बैंक का, अब आपके पास वो एटीएम कार्ड चाहे तो ब्रांच से लाए हो आप, या फिर पोस्ट की मदद से आपके घर पे आया हो, किसी भी तरीके से आपके पास है, आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, अब आपको अपने मोबाइल नंबर की मदद से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से एक SMS लिखना है। SMS क्या लिखना है, हमने उसके ऊपर वीडियो कंप्लीटली बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लेना। आपको मैसेज लिखना है 5607040 पे DCPIN और कार्ड नंबर लगा के ये सेंड कर लेना होता है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से। आपको उधर यानी बैंक की तरफ से एक OTP आता है, OTP आपका 6 डिजिट का होता है, 6 अंकों का, और ये जो OTP होता है ना, ये आपका 72 घंटे तक मान्यता होता है। इस OTP की मदद से आप चाहे तो PNB के ATM मशीन में जाके अपने ATM कार्ड का पिन बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन PNB के इंटरनेट बैंकिंग यानी PNB One App की मदद से बना सकते हैं, या फिर PNB के इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट की मदद से भी आप इसका पिन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपके ये डाउट्स जो है ना, बारीक बारीक से जो डाउट्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो ये क्लियर हो पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो से सही इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। अदरवाइज मैं आपको एंड में बताना चाहता हूँ, देखो यार, अगर आपके पास PNB का प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला ATM कार्ड है और आप उसका ATM पिन जनरेट करना चाहते हो, आपको जो ATM कार्ड मिला है ना थोड़ा लेट मिला है, या फिर आप अपनी ब्रांच में गए हो उसका पेपर पिन लेने के लिए, अब आपको उसका पेपर पिन नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति में क्या करना है, आप चाहो तो उसके अलावा कोई और ATM कार्ड ले सकते हो अपनी ब्रांच में, फॉर्म भर के, फॉर्म में आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड से KYC करवा के अपने
अकाउंट को जर्नल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा और उस एटीएम कार्ड का पिन आप ऑनलाइन बना सकते हैं। देखो यार, मैं आपको एक और सवाल करता हूँ कि अगर आप अपने एटीएम कार्ड का पिन सिर्फ इसलिए जनरेट करना चाहते हैं कि आप उससे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चला सकें, तो गलत सोच है आपकी। अब तो पीएनबी बैंक के अंदर बिना एटीएम कार्ड के भी गूगल पे, फोन पे चल जाता है। कैसे चलता है? आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आप बना सकते हैं आधार कार्ड से एक यूपीआई पिन सेटअप कर सकते हैं फोन पे के द्वारा। आधार कार्ड की मदद से आप पीएनबी बैंक में अपना यूपीआई चलाना चाहते हो, गूगल पे, फोन पे चलाना चाहते हो, तो इसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख लेना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि बिना एटीएम कार्ड के भी हम यूपीआई चला सकते हैं और यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो आगे भी, तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री होता है। अगर यार आपने अभी तक इस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया ना, तो कमेंट ज़रूर करना, मेरे को बताना कि आपके पास पीएनबी का कौन सा एटीएम कार्ड है और कौन से वाला एटीएम कार्ड है, आपके एटीएम कार्ड का पिन जनरेट हो पाया है या नहीं हो पाया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।